हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रगति पथ। माय नेम इज़ प्रगति मिश्रा और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीटेट का जो आपका 2021 का एग्ज़ाम है उसको हम लोगों को किस तरीके से क्रैक करना है। तो आपको पता होगा 31 जनवरी को आपकी डेट है एग्ज़ाम की, और अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करी है तो आपके पास 1 महीने का समय है। आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स से क्रैक कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। किस तरीके से मैंने प्रिपरेशन करी थी, वो भी कुछ ही दिनों में मैंने प्रिपरेशन करके बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन किए थे सीटेट में, तो वो किस तरीके से क्या चीज़ें की थी वो मैं आपको यहाँ पर अभी पूरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर बात आती है कि अगर आपने अभी कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है तो जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, जैसे कि आपका 2011 से 2019 तक के आपके 19 में 2 पेपर हुए हैं, 18 में 1 पेपर हुआ है, 2017 में पेपर आपका हुआ नहीं था, 16 में 2 पेपर हुए हैं, 15 में 2, 2014 में भी आपके 2 पेपर हुए हैं, 2013 में 1 ही पेपर हुआ था, उसके अलावा 2012 में 2 पेपर हुए हैं और 11 में 1। तो इस तरीके से आपके 13 या 14 पेपर बनते हैं और आपके पास अभी टाइम है 30 दिनों का। तो आप 2011 के पेपर या रैंडमली कोई पेपर उठा के करने के बजाय मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो एंड से पेपर हैं, जैसे 2019 दिसंबर में अभी जो पेपर हुआ है 2020 दिसंबर में, सबसे पहले आप उसको करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। और आपके 14 पेपर्स हैं, आपके पास 30 डेज हैं, तो आप किस तरीके से करेंगे, चाहे आप 2 दिन में 1 पेपर करो या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो। सिर्फ पेपर आपको सॉल्व नहीं करना है, एनालिसिस भी करनी है। टॉपिक्स को आप किस तरीके से उठाओ ये भी मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप 2019 के पेपर से स्टार्ट करो, 2019 का दिसंबर का पेपर उठाइए, उसको पूरा बैठ के एक साथ सॉल्व करिए। एक साथ में आपको पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चंस वहाँ पे कर पा रहे हो और कितने रह जा रहे हैं। पेपर को सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, उसकी एनालिसिस भी करनी है। लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देते रहते हैं, रोजे मॉक टेस्ट देंगे लेकिन कभी भी एनालाइज नहीं करते हैं कि उन्हें कौन कौन से टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं या किन किन टॉपिक्स पे उनकी पकड़ नहीं बन रही है। सिर्फ एग्ज़ाम या मॉक टेस्ट देने से नहीं कुछ होगा। PYP आप सॉल्व करते जा रहे हैं, आप एनालिसिस उसकी नहीं कर पा रहे हैं कि आप कौन कौन से पेपर कर रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आप पेपर को सॉल्व करिए। एक दिन आपने पेपर सॉल्व किया, अगले दिन आप या फिर उसी दिन में कुछ टाइम आप निकाल के उस पूरे पेपर के एनालिसिस करिए। जो टॉपिक्स आप बार बार गलत कर रहे हैं उन टॉपिक को आप पढ़िए। एक दिन आपने पेपर किया, अगले दिन आप वो सारे टॉपिक देखिए जो जो आपने उसमें गलत किए हैं पेपर में। जैसे आप ज़्यादा टॉपिक नहीं, एक दिन में आप एक ही टॉपिक देखिए। मैं CDP का कोर्स पूरा आपको करवा रही हूँ, थियोरी की क्लासेस, तो 19 जनवरी तक वो कंप्लीट हो जाएंगी, तो आप वो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपका CDP का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। EVS का भी मैं कोर्स लेकर आई हूँ, 2 वीडियोज़ मैंने अभी तक बनाए हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो जो मैं NCERTs पर वीडियोज़ बनाऊँगी उनसे भी आपके जो है EVS का पोर्शन कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बचता है आपका पेडागॉजी का सेक्शन। तो आपके पास कोई भी बुक है, आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप एक बुक ज़रूर ले लीजिए। मैंने एक बुक भी आपको सजेस्ट की है, आप प्लेलिस्ट में वीडियोस देख सकते हो, बेस्ट बुक्स बाय प्रगति मिश्रा। उसमें सीटेट की 2 बुक्स मैंने बताई हैं और UPTET की 2 बुक्स बताई हैं। अगर आप बहुत ही डीपली पढ़ाई करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने 5 बुक्स आपको सजेस्ट की हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और नीचे कमेंट में पिन किया हुआ आपको मिलेगा ये वीडियो, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो पेडागॉजी सेक्शन के लिए आप एक एक करके टॉपिक उठाइए। और दूसरी बात, PYP सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप एक दिन PYP सॉल्व करो, अगले दिन कंटेंट के क्वेश्चंस देखो और टॉपिक्स को उठाओ कि कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं और आप फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप CDP का एक दिन में एक टॉपिक देखते हैं, ठीक, और मैथ्स का वही आप एक टॉपिक उठा लेते हो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो, देन आप EVS का एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जो जैसे हाथी वाले क्वेश्चन हैं बार बार रिपीट होते हैं, मलेरिया वाले क्वेश्चन हैं, इस टाइप के सारे क्वेश्चन के मैं शॉर्ट वीडियोज़ भी बना रही हूँ, वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हैं। स्लोथ से रिलेटेड हैं तो, और मलेरिया से रिलेटेड, तो ऐसे वीडियोज़ जो हैं वो मैं सारे बना के डाल रही हूँ, 3-3, 4-4 मिनट के, वो भी वहाँ से भी आप कवर कर सकते हो। तो इस तरीके से हिंदी का एक टॉपिक आपने उठा लिया, संधि एक दिन में ख़त्म कर दिया। आप जब बैठोगे करने तो आपको मुश्किल से 1 घंटा आधा घंटा लगेगा। अगले दिन आप दूसरा पेपर सॉल्व करो, 2019 का जून जुलाई में जो पेपर हुआ है आपने वो सॉल्व किया, ठीक है। उसके तीसरे दिन आपने फिर एक एक टॉपिक उठाया। तो इस तरीके से आप जब पढ़ाई करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगी। मैंने इसी तरीके से पढ़ाई करी थी और मुश्किल से मैं सच बताऊँ तो मुश्किल से 15 से 16 दिन ही मैंने प्रिपरेशन करी थी और उसमें ही मैंने उसमें मतलब एकदम जी जान लगा दी थी। फिर बिल्कुल भी मैं टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती थी। अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप जो है
अच्छे से मतलब रेस्ट करके भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। पूरा दिन अभी भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे ना तो आपका बहुत ही अच्छे से हो जाएगा सीटेट में, ठीक है। और 2018 में सिर्फ एक पेपर हुआ है तो उसको आप करो, देन अगले दिन उसके क्वेश्चंस देखो कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हो, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। इस तरीके से करते करते आप 28-29 डेज में कवर कर लोगे पूरा। फिर लास्ट में जो ईवीएस के मैप्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी, जब आपका पेपर होता है 31 जनवरी को, तो 30 जनवरी को आप मैप ज़रूर देख के जाओ, इंडिया का मैप पूरी तरीके से देख लो कि कहाँ कहाँ पे स्टेट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो इससे बहुत ही अच्छी आपकी पकड़ बन जाएगी मैप्स पे, अगले दिन आपके दिमाग में याद रहेगा आपको वो चीज़ें। दूसरी बात, बहुत लोग ये करते हैं कि सोते नहीं हैं पढ़ाई करने के चक्कर में। पढ़ाई आप करो, खूब करो, लेकिन नींद भी प्रॉपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ें आपके माइंड में उस तरीके से फिट नहीं हो पाती हैं अगर आप सोते नहीं हो, प्रॉपर नींद नहीं लेते हो तो, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ी बहुत टिप्स थी, ऐसी टिप्स मैं आपको देती रहूँगी आगे। चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, और जो कंटेंट के कोर्सेज चल रहे हैं 2011 से मैं पूरे पेपर यहाँ पे आपके करवाए जा रहे हैं, ईवीएस के, सोशल साइंस के, और आपका सीडीपी का मैं पूरा कंटेंट कवर कर रही हूँ, ईवीएस का कवर कर रही हूँ। तो ये सीरीज़ आप ज्वाइन करिए, मैथ्स के भी 2011 से सीरीज़ चल रही है, तो आप उन सबको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके वीडियोज़ देखिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।